हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा तीन टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक ये होगी कि एयरफोर्स एक्स वन एंड वाई ग्रुप के लिए इस 60 डेज में, बचे हुए 60 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है। दूसरी बात, बेस्ट बुक क्या होने वाली है और क्या एग्जाम को लेकर के जो भ्रम फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा, वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बुक रिव्यू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कमेंट आया हुआ था कि बुक कौन कौन से बुक ले, एक्स वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, और प्रैक्टिस सेट किस पब्लिकेशन का लो जिससे हमें प्रिपरेशन करने में बहुत ही सुविधा हो। क्योंकि आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है दोस्तों, इसको मानना पड़ेगा। और सेकंड थिंग, मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो एंड तक देखना होगा, तभी आपको जाकर के इस वीडियो का फायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी यूट्यूब पर न जाएँ, आप सभी जब भी नोटिफिकेशन अच्छी वीडियो का आए वही देखें, क्लिक करें। और जो बहुत सारे ऐसे अफवाह फैल रही है एग्जामिनेशन को लेकर के, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन को लेकर के, उसमें अगर आप बंधे रहोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ जी दोस्तों, आप जब YouTube पे वो वीडियो देख रहे होते हैं टाइम पास वाला कि एग्जामिनेशन कब होगा, झूठी अफवाह होती है वो। और उस समय कुछ न कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, 3-4 हज़ार कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और फाइनली जाकर के उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और बाद में आप जाकर के अपने आप को कोसने लगते हो कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, यानी हमें कमी क्या रह गई थी। और दोस्तों, ये जो कमी है ना, ये सभी स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैंने ये बताया आप सभी को कि प्लीज़ आप सभी इस तरह के वीडियो को ना देखें। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आज के बाद, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। चलिए मेन टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन की जो बुक है, दोनों बहुत एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों का प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए। और सबसे चारों बुक इसमें कवर किया गया है। ये जो बुक अभी मैंने आप सभी को दिखाया, इसमें एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों कैंडिडेट के लिए जो दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करते हैं, तो ये अरिहंत पब्लिकेशन के बुक है, फर्स्ट बुक है, बहुत ही बेस्ट है। मार्केट में तो इससे अच्छी बुक आपको मिल ही नहीं पाएगी, और इतने चीप रेट में दोस्तों। और इसका जो शेड्यूल प्लान बहुत ही अच्छा है, अगर आप प्रिपरेशन सही ढंग से करते हो तो 60 डेज में इजीली इस बुक को आप नस्तनाबूत कर दोगे। और मेरा गारंटी है दोस्तों कि अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन इस बार होकर ही रहेगा। दोस्तों, चलता हूँ नेक्स्ट बुक की ओर। जो कैंडिडेट ओनली वन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए कौन से बुक बेस्ट रही, उसके बाद मैं बात करूँगा ओनली वन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, उसके बाद बात करूँगा मॉडल पेपर के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा, उसके बाद इंग्लिश की मेनली बुक बात करूंगा, उसके बाद क्या आप सभी के लिए जीके जीएस का बुक बेस्ट होगा अलग से। पहले ये बुक आप सब देख लो, क्योंकि ये बुक में फायदा ये होती है कि ये मेनली एयरफोर्स को टारगेट करके बना हुआ रहता है, और इसको प्रिपरेशन करने में कैंडिडेट को कहीं किसी भी तरह के जहनोजहद करने की बात नहीं होती, वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब इसको आप इस बुक को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हो, जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ, और इस तरह से अगर आप फॉलो कर लेते हो, और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी किसी पब्लिकेशन का आप मॉडल पेपर उठाकर देखो, तो इसमें से 100% आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, और आपको फायदा लगेगा कि मैंने पढ़ाई की है। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होते हो जब आपका क्वेश्चन लगता है। तो सेकंड बुक भी यही थी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, ये भी मॉडल, ये भी एक्स ग्रुप वालों के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की थी। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप सभी देख लीजिएगा। और ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, उससे क्या होगा कि आप सभी को कुछ ना कुछ फायदा होगा, डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के आप सभी बिल्कुल बुक ले सकते हो। ये सब अमेजोन पर अवेलेबल है। थर्ड बुक आती है हम लोग को एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए मेनली ये बुक है, ये बुक और बेस्ट है दोस्तों। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की ही बुक है, और ये बहुत ही चिप रेट में आपको मिल जाएगा, ये भी अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और इस बुक को अभी ही खरीद लीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट का देरी नहीं लगाएगा, आपके घर पर बुक आ जाएगा इस बार, ठीक है। बुक का स्टॉक अब काफ़ी लंबा है एयरफोर्स, क्योंकि इस बार पता है आप सभी को कि COVID-19 की वजह से मार्केट से कम बुक बच्चे ले रहे हैं। तो दोस्तों, बुक ये है, बहुत ही प्रैक्टिस सेबल बुक है, आप इस बुक को प्रिपरेशन करते हो तो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बुक यही है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों के लिए है, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की है, बाद में मैं बात करूँगा अलग पब्लिकेशन की, अभी मैं अरिहंत पब्लिकेशन की बात करूँ, क्योंकि इससे बेस्ट बुक मुझे कोई लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सब बुक अवेलेबल है, और सबका मैंने पूरी तरह से एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा। तो एक्स ग्रुप वालों के लिए प्रैक्टिस सेट है, 25 प्रैक्टिस सेट इसमें है, ओनली फॉर एक्स ग्रुप वालों के लिए है, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की, और बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएगा, ये भी अमेजोन से आपको मिल जाएगा बहुत ही चिप रेट में। तो आप लोग जाकर के इसे खरीद लेना, और 25 प्रैक्टिस सेट है, इसको दो बार प्रैक्टिस करोगे उस बुक को फॉलो करने के बाद, 100% आप सभी एग्जाम में अच्छे मार्क स्कोर करके आओगे। 100% दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहोगे अगर इस बुक को आप फॉलो करते हो तो। मैं कैसे फॉलो करना हूँ वो बताने वाला हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के इसको ऑर्डर कर दीजिए। फोर्थ बुक आती है एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए, वाई ग्रुप वालों के लिए इसमें क्या है, 28 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, 4 सॉल्व पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें मेन बात ये मुझे लगा कि
4 सोल्व पेपर आपको मिल जाएगा 2017 से लेकर के 2020 तक का, ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होती है उसका, सॉरी एग्जाम जो होता है ऑनलाइन उसका। ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, जो वाई ग्रुप वालों के लिए है उसके लिए। दोस्तों ये बुक सबसे अच्छा मुझे लगा, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 3rd एडिशन है, नया बुक है, 2021 में लॉन्च किया गया हुआ। तो ये बुक एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हो दोस्तों, तो मुझे ये विश्वास है कि आपसे भी 100% मार्क ही अच्छा ऑब्टेन नहीं करोगे, आप लोग सक्सेस हो गए, सफल हो गए और मेरिट लिस्ट में आप सभी का नाम भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इस बुक से आप प्रिपरेशन करते हो तो कैसे प्रिपरेशन करना हो बताऊँगा, पहले आप जाकर के इसको परचेज कर लाइए, उसके बाद मैं प्रिपरेशन प्लान बताऊँगा। 3rd बुक आती है JK GS के लिए, मैंने बता दिया आप सभी को कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कौन सी बुक होगी, वाई ग्रुप वालों के लिए कौन सी बुक होगी और मोड प्रैक्टिस सेट कौन सी होगी। ये बुक आती है लुसेंट की समान ज्ञान, जनरली सभी कैंडिडेट को पता होगा दोस्तों लुसेंट की समान ज्ञान। इससे अच्छा बुक तो मुझे मार्केट में कोई लगा ही नहीं, बहुत सारे बुक था, मैंने इसको ही प्रिफर करूँगा आप सभी को। अगर आपके पास, अगर आप इस थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं नेक्स्ट बताऊँगा आगे चल के कि आपको GK इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो आपको रट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बुक अगर आप नहीं परचेज किए तो अभी परचेज कर लेना, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए समानता नहीं है, ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए। तो आप उस एग्जामिनेशन में बूस्ट का एग्जाम में अच्छी तरह से कवर कर पाओगे इस टॉपिक को एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो लेवल रहता है वो इसी लेवल का रहता है। तो इसका ये आप उतना मुझे, मैं परचेज करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ये परचेज करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि समान ज्ञान ये 60 डेज आप सभी के लिए बचा हुआ है, मैं जुलाई का टारगेट लेकर के चला हुआ हूँ, जो नोटिफिकेशन आएगी मैं बता दूंगा। अगर आपके पास टाइम कम है और प्रिपरेशन आप सभी का सही नहीं है JK GS को लेकर के, तो लुसेंट की बुक है ये JK GS की, ये 200 से 250 के आसपास में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये बुक बहुत ही बेस्ट है, बहुत बहुत बेस्ट है दोस्तों, समान ज्ञान की बुक है, इसमें हज़ारों की संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जो भी जो भी कैंडिडेट इस बुक को फॉलो करता है वो और पूरी तरह से इसको कवर कर डालता है, तो एग्जाम में उसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है JK GS का मेनली, ठीक है। ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स ग्रुप वालों के लिए तो सिर्फ इसमें फिजिक्स पढ़ना है और वाई ग्रुप वालों के लिए इसमें टोटल पूरा का पूरा बुक पढ़ना होगा, क्योंकि वाई ग्रुप में JK और JS दोनों आता है, जनरल साइंस में से भी क्वेश्चन आते हैं और JK से भी क्वेश्चन आता है, और एक्स ग्रुप वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, ओनली वन फिजिक्स पढ़ना है, तो ये फिजिक्स के लिए आपकी बुक हो गई, ठीक है। लुसेंट का एक फिजिक्स का अलग बुक आता है साइंस का, तो आप वो परचेज कर सकते हो एक्स ग्रुप वाले, और वाई ग्रुप वालों के लिए ये बेस्ट है, और एक्स वाई ग्रुप दोनों का फॉर्मर है उनके लिए तो ये और बेस्ट है, क्योंकि एक ही बुक से दोनों कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश इससे बेस्ट बुक मैं ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगा, कितना भी वीक आप क्यों ना हो, अगर आप इंग्लिश में 0 भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बुक ही है 0 लेवल वालों के लिए, जो कैंडिडेट का इंग्लिश का अगर नाउन भी नहीं पता हो, प्रोनाउन भी नहीं पता हो, उनके लिए बेस्ट बुक है, और 60 डेज में ये कवर कर डाल सकता है, क्योंकि जो जो मेन टॉपिक होती है, जैसे कि हो गया आप सभी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, उसका नरेशन हो गया, वॉयस हो गया, टेंस हो गया, और क्या कहते हैं वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये इसमें काफ़ी है। अगर इस बुक को आप फॉलो करते हो, इस बुक को आप पढ़ लेते हो पूरी तरह से, तो आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन को दोस्तों नस्तनाबूत कर दोगे दोस्तों एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप को। ये तो बहुत ही छोटी बात होगी, आप UPSC तक के एग्जाम को इस बुक से क्रैक कर सकते हो, इससे अच्छा बुक मुझे नहीं लगा। एक बुक था SP बख्शी साहब का, लेकिन वो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई था, वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैं इसीलिए मैंने बोला कि आप सभी को यही बुक प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस बुक से मैं प्रिपरेशन किया हूँ, और मेरे SSR एक्स ग्रुप और NDA तक मैंने इसी बुक से प्रिपरेशन किया हूँ, और मुझे अच्छा स्कोर जाकर के मिला है, इसी बुक को मैंने फॉलो किया हूँ। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, अगर बुक पढ़ने में आपको मजे नहीं होता है, तो आप संजीव सर जाकर के SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे या डिफेंस बरियस पे सर क्लास लेते हैं एयरफोर्स का, तो संजीव सर सर्च कीजिएगा इंग्लिश, उनका बुक पढ़, उनका क्लास देखिएगा, उसके बाद इस बुक को पढ़िएगा, आपको लगेगा कि दोनों सर का ही बुक है, ये सर का ही बुक है, संजीव सर का ही बुक है, इस तरह का पढ़ाई होता है, तो वहाँ जाकर के आप सब देख सकते हो, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी तक नहीं परचेज किया हो तो जाकर